करेंगे बंधन बैंक की। बंधन बैंक अगर आप देखोगे दोस्तों तो 700 रुपये का शेयर एक टाइम पे 150 रुपये चला गया था, ठीक है। और अभी हम पिछले 2-3 सालों की अगर अपन बात करें तो इसका जो लेवल हो चुका है वो हुआ है 380 से 150 रुपये के बीच में। और अभी दोस्तों जिस प्रकार का पैटर्न का फॉर्मेशन वो हमें देखने को मिल रहा था वो इस प्रकार का था। आप देख सकते हो कि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक ये एक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था दोस्तों, और वहां से भी इसने एक ब्रेकआउट दिया था डाउन साइड, दैट मीन्स इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो इसमें फंसे हुए हैं उनका दिमाग खराब होना वाजिब था, क्योंकि वैसे तो यार मूवमेंट कम कर रहा है, ऑलरेडी इतना गिर चुका है उसके बाद में और गिर रहा है। तो अभी दोस्तों एक पॉजिटिव न्यूज आई है, पॉजिटिव न्यूज कहीं ना कहीं शेयर में एक जान डालने का काम कर सकती है, वो अपन न्यूज देखेंगे। पहले इस जो चैनल इसको एनालाइज करते हैं, आप देख रहे हो कि इसमें मुश्किल से 1 या 2 वीक में पॉजिटिविटी आती है, फिर डाउन साइड में चला जाता है, फिर 2-3 वीक पॉजिटिव आती है, फिर डाउन साइड चला जाता है। तो यहाँ से एक कंसोलिडेशन हो रहा था दोस्तों। तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, देखो कोई स्टॉक गिर रहा है और फिर एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया, तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है दोस्तों कि वो एक बार ट्रेप करके और यहां से वापस अपसेट ब्रेकआउट करें। तो ऐसे कुछ पैटर्न में फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। देखो ये इस प्रकार का यहां पर डाउनसाइड मूवमेंट हुआ है, हो सकता है कि यहां से एक सपोर्ट ले, और ऐसे लोग जो यहां पर फंस चुके हैं, जो ऑलरेडी फंस चुके हैं, वो हिम्मत हार जाए कि यार अब तो हो नहीं सकता है, हम इसको एग्जिट करते हैं। जैसे एग्जिट करे नए बाय ऑर्डर सेल हो जनरेट होंगे, वहां पर जो स्मार्ट मनीज है, ऑपरेटर्स है बड़े बड़े, उनकी एंट्री होगी और एक बड़ा सा मोमेंट अपसाइड में देखने को मिले, तो शायद ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। और ऐसी एक पॉजिटिव न्यूज भी आई है, अगर आप देखो तो अभी बंधन बैंक ने रिपोर्ट किया है कि उसकी लोन बुक में 21% का जब हुआ है Q2 में FY25 में, और डिपोजिट हो गए उसके 1.42 लाख करोड़ का, ठीक है। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आने लग गए हैं। अब देखिए इसमें अगर आप थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं तो 21% की इंक्रीज हुई है, ये इसका मतलब 1,30,000 करोड़ हो गया है, प्रीवियसली 1,07,000 करोड़ था। उसके बाद में जो लोन बुक है वो भी 4% से ग्रोथ हुई है, 1,33,207 करोड़ हो गई है। टोटल डिपॉजिट से दोस्तों वो भी 1,42,000 करोड़ हो गया है, प्रीवियसली आपका ये ग्रोथ हुआ है 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 27.2% ईयर ऑन ईयर। ये बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों कि साल में 27% की रेट से बढ़ रहा है और इस क्वार्टर में 7% बढ़ा है। इसका जो कासा रेशियो है वो भी 33.2% हुए 30 सितंबर 2024 को, अगस्त 30 सितंबर 2023 में 38 पे था, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं जो फिगर आ रहे हैं दोस्तों वो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक जान फूकने का काम करेगा। अब इसका एनपीए जिसके कारण से ये बैंक डूब गया, डूबने की कगार पर आ गया था, वो है कि इसका जो पेन इंडिया कलेक्शन एफिशिएंसी है एनपीए को छोड़ के वो 98.2% है अगेंस्ट 98.7% फॉर द क्वार्टर एंड 30 जून 2000। तो थोड़ी सी कमी आई है दोस्तों, जो कलेक्शन का लोन का करते हैं तो 0.5 का कम आया है, पर अभी इसमें एनपीए को जोड़ा नहीं गया है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, अब इसका तो बेसिक अगर हम देखें तो जो बंधन बैंक है हमारा दोस्तों, इसमें ऑलमोस्ट 6,300 इसके आउटलेट्स है, इसके ब्रांचेस है, लगभग 8 लाख कस्टमर्स है। उसके बाद में जो क्वार्टर करंट कस्टमर्स इनके लगभग 3.44 है, और उसने 8 लाख कस्टमर प्रीवियस कुछ क्वार्टर में एड किए, मतलब प्रीवियस डेट में जून के बाद में सेट किया है, और ऑलमोस्ट 77,500 इसके एम्प्लॉइज है। इसका जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों 47% की इंक्रीज हमें देखने को मिल रही है, 1,063 करोड़ हो गया है, 1,063 करोड़ हो गया है जो 721 करोड़ था जून के क्वार्टर में, ठीक है। इसकी जो टोटल इनकम ग्रो है वो भी 23% की रेट से बढ़ी हुई है, ठीक है, 23% बड़ी है, ये हो गई है 6,063 करोड़ जो प्रीवियसली कितनी थी 5,000 करोड़ के आसपास थी। तो ये जो फिगर्स है दोस्तों बहुत इंकरेजिंग है, डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस है कि इसमें अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिले। तो अब हम क्या करते हैं, डे चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो डे चार्ट में हमें यहाँ पर एंट्री कहाँ लेनी, ऐसे लोग जो यहाँ पर इसमें प्लान कर रहे बाई करने का, वो एंट्री लेवल है दोस्तों 185 रुपीज का, ठीक है। 184-185 के बीच में यहाँ पर कंसोलिडेट होता है, तो आपको यहाँ पर प्लान करना चाहिए बाई साइड का अगर कंसोलिडेशन होगा तो, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे दोस्तों बहुत छोटा रहने वाला, हम स्टॉप लॉस लेंगे यहाँ पर 180 रुपीज़ का ओनली, 180 का स्टॉप लॉस रहेगा। और सोचिए अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो बड़ा लेवल हमारा 222 रुपये, तो अपसाइड में जा रहा, मतलब यहाँ से 40 पॉइंट, और इसको भी अगर ब्रेकआउट कर दिया तो फिर 245 रुपये, इसके बाद में 245 के बाद में 271 के बाद में फिर हमें 300 रुपये तक के टारगेट भी हमें देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आपको एक पूरा पैटर्न समझाने की कोशिश की कि बंधन बैंक किस प्रकार से काम कर रहा है और किस प्रकार का मूवमेंट आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।